एनके स्टूडियो पर दादरी गेट पे उड़ा एक अंग्रेज आ गया, घोड़ा ले मर बेटा और जाके खेले का लाल व्हाट इज दिस जी खेले हैं जी बनाना, ये कोई खेल है तुम्हारे देश में? हमारे देश में इतने बड़े बड़े खेले होते हैं। सोची मटन खूब गई, फिर शेबा का आदला बोले व्हाट इज दिस जी एप्पल शेब, ये कोई शेब है? हमारे देश में इतने बड़े बड़े शेब होते हैं। अंग्रेज तो मर बेटा भारी बड़ाई करे आपके देश की। फिर आलू गला दिया हाथ ने जी, क्या जी पोटाटो बोले, बोले आलू हमारे देश में इतने बड़े बड़े आलू होते हैं। अंग्रेज ने देखा जी ओट सारा दे रहा था, तरबूज दे रहा था, बोले व्हाट इज दिस बोले तेरा फूफा अंगूर से था रहा हूँ सोट डोट बोले। हो जाता है वो महाराणा लोहार में एक ने हलवाई की दुकान के रखी, अरे हलवाई की दुकान पर भी अंग्रेज आ गए, उन्होंने अंग्रेज मिठाई के खाने बहुतों से, वो जलेबी की दुकान पर चले गया, अरे जलेबी की दुकान पे भाई एक किलो स्वीट देना जलेबी देना, वो एक किलो जलेबी ले ली अंग्रेज ने, भूखा मरा था, दो चार खाई, अरे दो जलेबी हमें बड़े बड़े बाल आ गए, हलवाई था मेरे फूट मेरे बाल गिर रखे थे, वो खाए बोला हेयर, अरे ये व्हाट इज दिस ये क्या है, ये तो इसमें हेयर बाल है इसके अंदर, बोला नहीं जी आपने नहीं बेरा यो हमारा ट्रेडमार्क है जी इसके अंदर, बोला ओके 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 खा गया। दूसरे दिन फिर आया बोला भाई आधा किलो जलेबी आज और देश अच्छी थी आपकी, वो आधा किलो जलेबी खाई, उस दिन बाल बुल कौन आए उसमें, बोला जी आज आपका ट्रेडमार्क नहीं है हलवाई अब मारा सुरूबर का था, बोला भाई जब थोड़ी थोड़ी मिठाई में हम जब ट्रेड मार्क गिरेंगे तो हम तो गंजे हो जाओगे भाई। बीच का हाँ भाई देखो भाई गुरुजी ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम सुनाया, देखो हम तो इनके बराबर कदे नहीं पूछ सकते, क्यों हम शौक रखते हैं और इनसे सीखते हैं, एक दो भजन कहा से सुनो ए, माता बहनों सुनो, आके एक भाई रोज दारू पी के हैं और अपने घराली नहीं पिटिया करता रोजाना, वह बेचारी बहुत तंग पारी दिशते रोज पी क्या हुआ और आपके घराली ने रोज पीटता, दो साल हो गए पिटती पिटती ना बाबा रोज पेटती पेटती तंग पाली बेचारी, उसने सोची आग भाई तेरा तो बुरी हालत होगी रोज काम हो गया दारू पी की आवाज है और पिटते से यो, तो उसने सोची भी आज आने देश ने आज आओगे दारू पी की आज तू पीटिए सुनो मेरे अगर आज दारू पी की आवे तो आज तू मारिए उसके अपीर हमारे दौरे वो पी के आया माता जी दारू पी के घर ना आया और वह लाठी ले कुआड़ खोल दिए कुआड़ खोल गए और खोल दिए खोब मारिया लठ मार दिए लठ मार दी, उसने सोची आग भाई तू तो दूसरे घर में आ उल्टा हो लिया आ घर भूल गया भाई तू तो दोबारा हंड फिर के और फिर आया लड़ा कुआड़ खोलो वो खोल दी वह तो लठ ले रही थी एक लठ दूसरा खोब मारिया थे पक्की जचगी भाई तेरा घर कौन हो दूसरे घर में आ गया। एक भाई ने दूसरे ने बोला भाई साहब मेरा नशा हो गया मेरा घर भूल गया मैं तो मेरा घर बता क्या ये लठ लग रहा था उसका तो शहना हो रहा था आप रखड़े हो गया और वो मेरा भाई कुआड़ खोलियो उसकी ओर तो वो ही होगा उसने उसका भी मारा लठ है मार दिए और परखड़े अखड़े कहने गए है मार बे पे मारे तड़का थारे फेर लिया होगा मैंने बोले और भाई किसके सबके दोनों आत्मा कट रहे वो भी अपना टाइम पास करते हैं हो जाता है वो एक के भाई का हाथ कट गया एक का और वो बोला भाई हाथ कट गया मेरा कोई जीना नहीं मैं तो मरूंगा बोला भाई बोला भाई क्यों मरेगा मना मरे नहीं करे बोला भाई मेरा तो एक हाथ कट रहा कोई जीना नहीं ईसा सूत बैठा वो लोहारू कान चलेगा थोड़े गिगना होगा मैं एक के हाथ भी कट रहे दोनों हाथ कट रहे बेचारे के और नचन लग रहा वो दोनों हाथ कट रहे नच
पूछ सोचा भाई तेरा एक हाथ कट रहा है तू परेशान, पूछ बैठे नहीं बोला भाई साहब तेरे दोनों हाथ कट रहे और तू नाचना रहा मेरा कट रहा, मैं तो मरण की तैयारी में कर रहा था। नीलारा नाचता कौन ही मेरे शरीर में खाज हो रही खोर कौन सकता बोले मैं। जबरदस्त और उसकी ओ भाई जो ससुरारती जिसकी उसने खीर बना रखी अच्छी उसके सासू ने खूब गर्मा गर्म अरे गाल दी लो बेटा भूख लग रही खा लियो पगला किसी चम्मच रख दिया हाथ सबड़कत खान दे हुए और बल्दी खीर का सबड़का मार गया बढ़ गया भीतर भी नहीं बल्दी खीर गई आँखें में पानी आया। उसकी सासू बोली क्या बात बेटा आँखें में पानी क्यों आया? उन्होंने बोला माता जी क्या बताऊँ घर ने बुढ़ी बीमार से तगड़ी ठीक से बेटा बोले उसकी देख हम देखो दूसरा था उसने भी मारा नहीं उसका भी आँखें में पानी आना था। बोले बेटा तेरे के बात होगी? बोले माता जी इन अली बुढ़ी मर ली दिख समझ तो वो एक बानी का चोर बढ़ गया बानी ने देख लिया भी तेरा चोर बढ़ गया बानी का चोर बढ़िया और कुआड़ की ओट में वो चोर लुक गया और बानी की हिम्मत नहीं की हिम्मत को नहीं आग बानी इसने चोर नटा दू क्यों चोर तो डर लागे डरे भी वो ये बानिया दिमाग तक काम लिया सुन रहे दिमाग तक काम लिया निवला शेटानी बस सुन रहे चुटकला ना सुन रहे निवला शेटानी काल में वो बाट लिया था वो बाट देखा देखा किस एक से खरे से के एक किलो का बाट लिया पहले देख देख के निवला यो तो एक किलो का तो कौन नहीं भाई कम से 900 ग्राम का है बगा के मारा चोर का लग गया वो और जाड़ बीच के फिर खड़ा हो गया मेरा सुरक्षा काट ने मारा है। फिर मुझे छटानी 2 किलो वाला बाट और लिया उसमें भी फर्क पाओगा उन देखा देख देख के निशाना बना के चोर के निवला यो भी सरा धोखा इसमें 1.5 किलो का है और वो चोर का मारा बगा के न्यू पकड़ के बैठ गया चोर कुवाड़ की ओट में। फिर मुझे छटानी वो 5 किलो बाट लिया था वो और लिया वो चोर नहीं बोला भाई साहब तेरे सारे बाट खरे हिम्मत हुए चले जाएंगे बोले भाई अरे दादरी तोए में कद हो रहा एक मुर्गा फार्म खोल लिया एक भाई ने सुनो रे मुर्गा फार्म खोल लिया रोड को पर मुर्गा फार्म अरे उड़ा फूड सप्लाई अड़े आओ जान दिए नहीं बोले हाँ भाई इनको क्या खिलाता है और उड़ा फूड सप्लाई वाले आ गए उसके जाके देखा बोले हाँ भाई इनको क्या खिलाता है मुर्गों को उसने सोची नहीं बोला जी साहब मैं तो इन्हें बाजरा खुआऊं सू जी बोले आराम खोर बाजरा कितना गर्म होता है इन मुर्गे में बीमारी हो जाएगी ले 10,000 रुपये वो 10,000 का बेचारा की पर्ची काट दी ले भाई इब रोड का काम उसका तो महीने एक पाचे फेरा पूछिए उन्हें सोची ले भी फिर आज फेरा गए बोले हाँ भाई क्या खिलाता है इनको इन्होंने पहले बाजरा बताया था जी अब 10,000 रुपये ले गए थे बोले साहब मैं तो इन्हें चने की दाल खुआऊं सू जी बोले आराम खोर चने की दाल कितनी गर्म हो जा रहा मनसा खतर को नहीं तू मुर्गिया ने खुआ रहे ला 10,000 रुपये 10,000 उस दिन मिले गए ईसा सूद बैठा जजर कान जान दिया नहीं वो फिर जा पहुंचे उस मुर्गा फार्म के देखा इनका तो भाई रोज का काम हो गया जान दिए निबले हाँ भाई क्या खिलाता है इनको आज जोड़ के निबले साहब मैं तो इन्हें रुपये दे दी हूँ जी अब खाया हूँ जी